हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं आईटी फैक्ट्स। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आज होस्टिंग और डोमेन के बारे में आपको पूरा क्लियर डिटेल्स बताऊंगा। तो हम लोग समझते हैं होस्टिंग और डोमेन क्या चीज़ है और डोमेन के बाद सब डोमेन क्या चीज़ है। तो दोस्तों, पहले हम लोग समझते हैं डोमेन क्या चीज़ है। तो डोमेन एक सिंपल एड्रेस होता है जिसको हम लोग इंटरनेट में सर्च करने से कोई वेबसाइट को फाउंड कर पाते हैं, जैसे कि www.aajtaknews.com। ये एक एड्रेस हो गया और इसे हम लोग डोमेन बोलते हैं, जिसको कि हम लोग अगर सर्च करेंगे कोई ब्राउज़र में तो उसका वेबसाइट शो करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो जान लिया कि डोमेन क्या चीज़ है। अभी मैं बताता हूँ सब डोमेन क्या चीज़ है। तो सब डोमेन भी बेसिकली एक डोमेन होता है, लेकिन उसके एंड में कुछ एक्सटेंशन लगा रहता है, जैसे कि www.abpnews.freehosting.com। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे www.aajtak.com, ये हो गया डोमेन, जो कि एड्रेस है आज तक न्यूज़ चैनल वालों का। तो इसको अगर हम लोग एंटर करते हैं गूगल पे और सर्च करते हैं, तो ये हम लोग को डायरेक्ट उनका वेबसाइट पे लेके जाएगा। देखिए, ये हो गया डोमेन, इसे हम लोग डोमेन बोलते हैं। अभी हम लोग सेम सब डोमेन के लिए सर्च करते हैं www.aajtak.freehost.com। ये हो गया एक्सटेंशन जो कि सब डोमेन में लगा रहता है। तो freehost.com, इसको एंटर करेंगे तो ये हम लोगों का लेके जाएगा फ्री होस्ट वाले वेबसाइट पे, क्योंकि आज तक एक बड़ा चैनल है और वो डोमेन ख़रीदता है, फ्री होस्ट फ्री सब डोमेन नहीं ख़रीदता है। तो देखिए, ये हो गया आपका freehost.com वाले वेबसाइट में लेके गया है। तो दोस्तों, ये बेसिकली पेड और फ्री का फंडा है। अगर आप पैसा खर्चा करते हो तो आपको डोमेन ख़रीदने को मिलेगा, अगर आप पैसा नहीं खर्च कर सकते हो तो आप फ्री में सब डोमेन ख़रीद सकते हो। तो सब डोमेन बेसिकली एक डोमेन है, लेकिन कुछ क्रेडिट जो है, जो एक्सटेंशन नेम है, वो कंपनी को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि डोमेन और सब डोमेन क्या चीज़ है। अभी मैं बताता हूँ होस्टिंग क्या चीज़ है। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो हम लोगों का वेबसाइट चलता है वो इंटरनेट पे चलता है। तो इंटरनेट में जो भी हम लोग अपना डेटा स्टोरेज करते हैं वो सर्वर के थ्रू करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को सर्वर का ज़रूरत पड़ता है, ताकि हम लोग अपने डेटा को स्टोर कर सकें सर्वर पे। क्योंकि हम लोग सर्वर घर पे नहीं बना सकते हैं, मतलब बना तो सकते हैं, लेकिन इंडिया में स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी इशू और नेटवर्क इशू का बहुत झमेला रहेगा। तो हम लोग उसे ख़रीदते हैं, मतलब सर्वर को ख़रीदते हैं उन कंपनियों से जो सर्वर रन कराते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एज अ पूरा एक डेडिकेटेड सर्वर बेच सकते हैं, या फिर उसको डिवाइड करके भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर एक कंपनी एक यूज़र को पूरा एक सर्वर बेचता है तो उसको बोलते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग। अगर एक सर्वर का कुछ पार्ट बेचता है, मैंने उसको कुछ पार्ट में डिवाइड करके उसका एक पार्ट बेचता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बीपीएस होस्टिंग। और अगर उस छोटे पार्ट का भी छोटा पार्ट बेचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। तो ये सारा हो गया है होस्टिंग का डिटेल। तो दोस्तों, सिंपल फंडा यह है कि अगर आपको कोई वेबसाइट को लाइव करना है, इंटरनेट पे फैलाना है, हर एक गली मोहल्ले में आपको पहुंचाना है आपका वेबसाइट को, तो आपको सिंपल होस्टिंग और डोमेन को ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप एक प्रोफेशनल है और लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना वेबसाइट को चलाना चाहते हैं तो आप पेड ख़रीदिए, नहीं तो आप अगर नए यूज़र हैं तो फ्री में ख़रीदिए। क्योंकि अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आप फ्री होस्टिंग लेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप
पेड होस्टिंग लेते हो तो आपको ऐसा ऐसा फीचर्स मिलेंगे जो कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आप एक नए यूज़र हैं और सीखना चाहते हैं तो आप फ्री होस्टिंग खरीदें, आपको फ़ायदा होगा। तो आजकल के 2020 ज़माने में बहुत सारे कंपनीज़ आ गए, कंपनीज़ के अंडर और कंपनीज़ आ गए जो कि होस्टिंग उनसे ख़रीद के यूज़र को डायरेक्ट बेचते हैं ज़्यादा कॉस्ट पे। तो उसका सारा डिटेल का मैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में आपको डायरेक्ट गूगल में जाके सारे डिटेल्स फैसिलिटीज़ बताऊँगा, वेबसाइट कौन कौन से अच्छे हैं बताऊँगा। तो दोस्तों मैं कल एक पूरा डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ इसके ऊपर। मैं वहाँ पे बताऊँगा कि कौन से फ्री होस्टिंग प्लस डोमेन साइट्स जो कि अभी 2020 ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन अवेलेबल है और आपको बिना कोई फ्रॉड का क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन कौन से पेड होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करने वाले साइट्स हैं विथ सी पैनल विथआउट सी पैनल क्या है, मैं पूरा डिटेल बताऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं आगे इंफॉर्मेशन देते रहूँगा। तो कल मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून। तो दोस्तों मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं IT फैक्ट्स। थैंक यू।